कई बार हम ढेर सारे जीमेल अकाउंट्स बना लेते हैं एंड बाद में हमें लगता है कि यार हम इतने सारे जीमेल अकाउंट्स का करेंगे क्या। ऐसे में हम सोचते हैं चलो यार इन्हें डिलीट कर लेते हैं, लेकिन हमें डिलीट करना तो आता नहीं है, तभी हम इस वीडियो को देख रहे हैं। तो इस वीडियो में मैं आपको लेटेस्ट तरीका बताऊंगा जिसके जरिए आप अपने जीमेल अकाउंट या फिर गूगल अकाउंट को परमानेंटली डिलीट कर सकेंगे। तो मैं आपको ट्रिक बताऊं, उससे पहले मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि आप अपने जीमेल अकाउंट या फिर गूगल अकाउंट को क्यों डिलीट करना चाहते हो। अपना रीजन कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। तो मेरा नाम है मनीष और आप देख रहे हैं मनीष फॉर यूट्यूब चैनल। तो चलिए जानते हैं कि गूगल अकाउंट या फिर जीमेल अकाउंट को डिलीट कैसे करते हैं। सबसे पहले हमें जीमेल की एप्लीकेशन को ढूंढना है। तो उसे आप कैसे ढूंढ सकते हैं, देखिए जीमेल की एप्लीकेशन जो है वो गूगल के फोल्डर में ही आपको देखने को मिल जाएगी। यहाँ पे आप देख सकते हैं जीमेल, ये रहा। अगर आपको ये फोल्डर नहीं मिलता तो आपको सिंपली एक काम करना है, अपने फोन के सर्च बार में आना है और यहाँ पे आपको सर्च करना होगा जीमेल। ठीक है, मैं आपके सामने जीमेल लिख लेता हूँ और इस तरीके की एप्लीकेशन आ जाएगी। तो इसे हमें ओपन कर लेना है। अब ओपन करने के बाद जैसे ही आप इस वाले आइकन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपने जितनी भी जीमेल अकाउंट या फिर गूगल अकाउंट बनाए होंगे वो सारे शो करेंगे। अब आपको जिस भी गूगल अकाउंट या फिर जीमेल अकाउंट को डिलीट करना है उसे यहाँ पे सिलेक्ट करना होगा। तो यहाँ पे मैंने डेमो के लिए एक रिसेंटली जीमेल अकाउंट बनाया है जिसका नाम है टेस्टिंग अकाउंट, तो हम इसे यहाँ पे सिलेक्ट कर लेंगे। अब इसे सिलेक्ट करने के बाद हमें क्लिक करना होगा प्रोफाइल वाले आइकन पे, तो हम इस पर क्लिक करेंगे। अब इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको एक ऑप्शन दिखेगा गूगल अकाउंट का, यहाँ पे आप नीचे देख सकते हैं, इस पे आपको क्लिक कर देना है। अब इस पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे इस तरीके का ऑप्शन हमें देखने को मिलेगा एंड यहाँ पे काफी ऑप्शंस देखने को आपको मिल जाएंगे, लेकिन आपको क्लिक करना है डेटा एंड प्राइवेसी पे, तो हम इस पर क्लिक कर लेते हैं। अब इस पे क्लिक करने के बाद आपको स्क्रॉल करना है और नीचे तक बिल्कुल स्क्रॉल करते जाना है एंड आपको यहाँ पे एक ऑप्शन देखने को मिलेगा डिलीट योर गूगल अकाउंट, तो इस पर आपको क्लिक कर लेना होगा। तो हम क्लिक कर लेते हैं। अब इस पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे ये पेज इस तरीके से लोडिंग होगा, देन आपको इस तरीके का पेज देखने को मिलेगा। तो ये कहेगा यूज योर पास की टू कंफर्म इट रियली यू, यानी कि आपसे वेरिफिकेशन करने के लिए पास की मांगेगा, तो आपको कंटिन्यू के ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। अब जैसे आप कंटिन्यू के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे ये आपसे आपके अकाउंट का पासवर्ड या फिर फिंगरप्रिंट मांगेगा, तो हम फिंगरप्रिंट लगा देते हैं। अब जैसे मैं फिंगरप्रिंट लगाऊंगा हम नेक्स्ट पेज में यहाँ पे आ जाएंगे और यहाँ पे आपको काफ़ी चीज़ें समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं कि अगर आप अपना गूगल अकाउंट या जीमेल अकाउंट डिलीट करेंगे तो आपका क्या क्या डिलीट होगा। आपका पूरा की पूरा मेल डिलीट हो जाएगा, कैलेंडर डिलीट हो जाएगा एंड अगर आपने यूट्यूब चैनल बनाया होगा इस मेल से तो वो भी डिलीट हो जाएगा एंड आपके सारे के सारा डेटा जो आपके जीमेल से लिंक है लाइक कॉन्टैक्ट वगैरह वो सारे डिलीट हो जाएंगे। तो आपको डिलीट करने से पहले ये चीज़ रीचेक करनी है। तो मेरी यहाँ पे दो चीज़ें ही लिखी इसलिए आ रही है क्योंकि ये मेरा फ्रेश अकाउंट है। अगर मैं ओल्ड अकाउंट को डिलीट करने जाऊंगा जिसमें मेरे कॉन्टेक्ट्स होंगे, चैनल होगा, वो सारे यहां पे शो करेंगे एंड गूगल हमसे कहेगा कि अगर आप अपने जीमेल अकाउंट को डिलीट करते हैं तो ये सारी चीजें यहां पे डिलीट हो जाएंगी एंड यहां पे यही चीजें लिखी हुई हैं। तो अगर आप अपने डेटा को डाउनलोड करना चाहते हैं तो यहां पे आपको एक ऑप्शन देखने को मिलेगा डाउनलोड योर डेटा, तो आप अपने सारे डेटा को डाउनलोड करके एज अ बैकअप रख सकते हैं। लेकिन अगर आपको लगता है आपके लिए जीमेल इंपॉर्टेंट नहीं है उतनी, तो जस्ट आप स्क्रॉल करेंगे और यहां पे आपको दो ऑप्शन देखने को मिल जाएंगे। तो यहां पे आपको दोनों ऑप्शन पे टिक करना होगा, यानी आपको एग्री करना होगा कि मैं ये सारी चीजें पढ़ चुका हूं और मुझे कोई दिक्कत नहीं है डेटा डिलीट होने से। तो हम दोनों ऑप्शन पे टिक कर देंगे, देन हमें यहां पे एक ऑप्शन देखने को मिल जाएगा डिलीट अकाउंट का, इस पर हमें क्लिक कर देना है। इस पर जैसे हम क्लिक करेंगे उसके बाद हमारा अकाउंट इस तरीके से यहां पे डिलीट हो जाएगा। आप देख सकते हैं यहां पे लिखा आ रहा है योर अकाउंट एंड ऑल इट्स डाटा हैव बीन डिलीटेड। अगर आपको लगता है आपने गलती से अकाउंट को डिलीट किया है तो आपको यहां पे रिकवरी प्रोसेस देखने को मिल जाएगा, रिकवर योर अकाउंट यहां पे लिखा है, इस पे क्लिक करके आप अपने गूगल अकाउंट को या फिर जीमेल अकाउंट को रिकवर कर सकते हैं। लेकिन एक बात का ध्यान रखिएगा, जब भी आप अपने गूगल अकाउंट या फिर जीमेल अकाउंट को डिलीट करते हैं तो उसको 2 महीने लगते हैं डिलीट होने में। जैसा कि यहां पे मैं आपको एक आर्टिकल भी बता देता हूं गूगल की तरफ से, जो है अराउंड 2 मंथ्स लगेंगे आपके गूगल अकाउंट को पूरी तरीके से डिलीट होने में। तो आप 2 महीने तक कहीं भी अपने गूगल अकाउंट या फिर जीमेल अकाउंट को लॉगिन मत करिएगा अगर आप चाहते हैं कि आपका जीमेल अकाउंट या फिर गूगल अकाउंट परमानेंटली डिलीट हो जाए। तो गाइस कमेंट सेक्शन में ये जरूर बताइएगा कि आप अपने गूगल अकाउंट या फिर जीमेल अकाउंट को क्यों डिलीट करना चाहते हैं। ऑल्सो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ बेल आइकन पर प्रेस कर दीजिएगा ताकि फ्यूचर में मैं ऐसी और वीडियोस डालूं तो आप लोग मिस ना करें। तो मैं मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड विद मनीष फॉर यू।